स्टूडेंट्स, आज हम क्या देख रहे हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस और डीकैंटेशन। मैं क्या कर रही हूँ आपसे, देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ बीकर। क्या बोलते हैं इसको हम? बीकर। इस बीकर में मैंने थोड़ी सी क्या डाल दी? सैंड। दिस इज यू कैन से सैंड। अब इस सैंड को हमने क्या किया? वॉटर से, वॉटर के अंदर क्या कर दिया स्टूडेंट्स? मिक्स कर दिया। ना उसको मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ोगे आराम से। ना दिस इज विच वाटर, विच टाइप ऑफ वाटर इज दिस वन? यस, मडी वाटर यू कैन से, और यू कैन से सैंडी वाटर, क्योंकि इसके अंदर सैंड है। ओके, ठीक है, या कह सकते हो द वाटर एंड सॉयल इज मिक्स्ड। तो ये क्या हो गया? वाटर एंड सॉयल मिक्स हो गया। अब आप इसको क्या करोगे फ्रेंड्स? थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम वी विल कीप दिस मिक्सचर विदाउट डिस्टर्बिंग। व्हाट वी विल डू? विदाउट डिस्टर्बिंग वी विल कीप दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम। देन व्हाट वी विल सी? देयर इज अ सेपरेट लेयर ऑफ वॉटर एंड सॉयल। सॉयल विल सेटल डाउन बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉयल आर हैवी। और वॉटर क्या होगा? ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, बिकॉज वॉटर क्या है? लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स हल्के भी। सो वॉटर आपको ऊपर दिखाई देगा और सैंड क्या होगा? सैंड के पार्टिकल्स नीचे दिखाई देंगे, बिकॉज सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? हैवियर। अब आफ्टर 5 मिनट्स वी विल वॉच दिस वन। नाउ व्हाट वी विल सी स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, बिल्कुल क्लोजली दिखा देती हूँ मैं, क्लोजली देखो स्टूडेंट। यहाँ पे ये सैंड की लेयर बिल्कुल आपको अलग से दिख रही है। यहाँ पे ये सैंड की लेयर हल्की सी देखो, यहाँ पे नीचे ये सैंड की लेयर है और ऊपर क्या है? वॉटर। दोनों सेपरेट हो गए। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस? सेडिमेंटेशन। हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एंड लाइटर वॉटर जो है उसकी सेपरेट लेयर होगी। वॉटर और सैंड की लेयर क्या होगी? सेपरेट होगी। अब मैं धीरे से क्या करेंगे बेटा? स्लोली स्लोली आई विल, व्हाट आई विल डू? आई विल रिमूव दिस वाटर। इस वाटर को मैं क्या करूंगी? रिमूव करूंगी इसको, वाटर को सेपरेट कर देंगे हम। तो दिस प्रोसेस, अब इसको यहाँ पे जो सैंड और वाटर है, सैंड नीचे रह जाएगी और वाटर में स्लोली क्या है? आई विल प्योर इन दिस वन अदर बीकर। दिस इज कॉल्ड ए बीकर। अब मैं इस बीकर में धीरे से ये डाल रही हूँ वॉटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड। नाउ दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेडिमेंटेशन। नाउ यू विल सी इट, ये देखो सैंड नीचे रह गई और वॉटर हमने सेपरेट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? डीकैंटेशन। नाउ दिस वॉटर इज सेपरेटेड एंड हियर दिस सैंड इज सेपरेटेड। अब इस वॉटर में भी कुछ इम्प्योरिटीज और है। इस वॉटर को हम क्लीन करेंगे। कैसे? फर्स्ट आई विल टेक वन मोर बीकर। This is a funnel and this one is called filter paper. ये क्या स्ट्रेंड्स? फिल्टर पेपर। नाउ आई विल फोल्ड इन टू टू पार्ट। एक पार्ट इसमें फोल्ड, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन फोल्ड अगेन इन पार्ट। इसको दोबारा हमने फोल्ड कर दिया। नाउ बट इफ यू विल ओपन फ्रॉम वन साइड, इस तरीके से कोई भी साइड से ऐसे ओपन कर दोगे, नाउ यू विल सी कैसी शेप आ गई। ऐसी कोन शेप, कोन की शेप आ गई। अब इस कोन शेप में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको कहाँ एडजस्ट कर दिया? इसके अंदर, कीप के अंदर एडजस्ट कर दिया ऐसे। और यहां से स्टूडेंट्स, अब मैंने इसके ऊपर रखा ये। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नाउ अब ये जो मडी वाटर है या वाटर जिसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स है, इसको हम क्लीन करेंगे। सो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसमें डालती रहूंगी।
और यू कैन डू लाइक दिस वन ऑल्सो फिल्ट्रेशन, दोबारा दिखाती हूँ, फिल्ट्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो वाटर मैंने लिया ये वापिस इसमें डाल दिया और इस चीज को मैंने सेपरेट करने के बाद एक और प्रोसीजर भी बताती हूँ आपको कैसे सेपरेट कर सकते हो। ये फिल्टर पेपर मैंने हटा दिया, यहाँ देखो वन मोर फिल्टर पेपर आई विल यूज हियर, और इस फिल्टर पेपर को आप इसके अंदर फिक्स करो और इन दोनों को आप दोबारा मिक्स भी कर सकते हो। वो तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दिखाया था, अब ये मडी वाटर है, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको फिल्टर भी कर सकते हो। डायरेक्ट वी कैन फिल्टर इट, कैसे, आप धीरे से इसके अंदर डालोगे ये। नाउ वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, आराम आराम से इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे एंड दैट वाटर विल बी क्लीन। सो उसको हम दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो ऊपर जो सैंड रह जाएंगे ना बेटा फिल्टर पेपर पे, क्या होगा सैंड, आप स्लोली स्लोली इसको, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ डाल दो, आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट में इसको डालते रहो और नीचे यहाँ पे क्या होगा कंपेरिजन टू दिस वन, इसको आप रखना नहीं थे और थोड़ा अमाउंट इसको मैं रख लेती हूँ ताकि हम चेक करेंगे पहले वाटर का कलर कैसा था बाद में कैसा आ गया। नाउ अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज रह जाएंगे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल्स हो, या उसके अंदर कोई ग्रास पार्टिकल्स हो, तो वो किसके ऊपर रह जाएगा, फिल्टर पेपर। नाउ जो उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, क्या बोलते हैं आर ई एस आई डी यू ई रेसिड्यू, और जो नीचे इस फिल्टर पेपर में से जो पास होकर आएगा दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन में हमें टू प्रोडक्ट्स मिल गए, एक हो गया रेसिड्यू एंड अदर इज फिल्ट्रेट, अदर इज फिल्ट्रेट, क्लियरली है, फिल्ट्रेट इज कमिंग इन दिस वन बीकर एंड रेसिड्यू इज कलेक्टेड इन द फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेट इज कमिंग इन दिस वन एंड रेसिड्यू इज कलेक्टेड इन दिस। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा और डाल देती हूँ स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इस वाटर का कलर और इस वाटर का कलर, आई विल शो यू, ठीक है। यहां जो वाटर आ रहा था वो क्लीन है, इसको फर्दर प्रोसेस और क्लीन कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन के यहां पर हमने क्या किया, सेपरेट किया, ऐसे ही दिस इज ओनली यूजिंग फिल्टर पेपर, आप ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर की जगह पे हम दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं कुछ अदर काइंड ऑफ फिल्टर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने फिल्टर पेपर को यूज किया है सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे सैंड अलग हो जाएगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा, बट जरूरी नहीं स्टूडेंट्स के हमें फिल्टर पेपर ही जरूरी है, लास्ट स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि हमें फिल्टर पेपर ही जरूरी है, आप स्टेनर घर में आपकी मदर टी बनाती है आपके दादाजी के लिए किसी के लिए, तो वट यू विल डू, वट शी विल डू स्टेनर, जैसे आप कहते छलनी, स्टेनर से क्या है ऐसे टी को छानते हैं, तो वट एपन उस स्टेनर के ऊपर टी लीव्स कलेक्ट हो जाती है और नीचे क्या जाती है टी कलेक्ट हो जाती है, तो बट स्टेनर ऑल्सो वी कैन सेपरेट, और कई जगह पे बाय यूजिंग क्लोथ्स ऑल्सो कुछ चीजों को छान सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स मैं यहां पर इस चीज को इसके ऊपर कलेक्ट करके रख देती हूँ। अब एक बार यहां देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें वाटर दिख रहा है आपको, क्लोजर लेकर आना बेटा इसको कैमरे को, यहां पे देखो ये वाटर इसके अंदर दिख रही है, जो ड्रॉपलेट्स गिर रही है इसके अंदर भरा हुआ दिख रहा है वाटर, यहां तक वाटर है, देखो यहां तक वाटर है, इतना वाटर फिल हो रखा है दिख रहा है इसमें, और ये यहां तक खाली है, तो ये वाटर देखो कितना नीट और क्लीन दिख रहा है हमें, ये वाटर कितना नीट और क्लीन दिख रहा है बिल्कुल। सो वी कैन क्लियर द वाटर या वी कैन सेपरेट इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द वाटर बाय दिस मेथड, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, दिस इज अ फिल्ट्रेशन मेथड।
Now we have understood sedimentation, decantation and filtration. Yes, इन दोनों को मिक्स कर दिया सेडिमेंटेशन. ओके, अब थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कैसे होगा, मिट्टी नीचे और वाटर सेपरेट हो जाएगा. ना स्लोली जब ये सेपरेट हो जाए आप इसको वाटर को अलग ऐसे निकाल दो और नीचे क्या रह जाएगा बेटा, सैंड. दिस इज कॉल्ड डीकैंटेशन. और ये जब दोनों अलग सेपरेट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. और जब यहाँ पे हम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड बाय फिल्ट्रेशन मैथड. विच मैथड इज दिस वन? फिल्ट्रेशन मैथड. नाउ स्टॉप दिस वन.